सो हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के साथ कर रहा हूँ कि आपके जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं उनके रिगार्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे कैसे शार्प करना चाहिए। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आप लोगों को कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है कि आपको लग रहा है कि अभी टाइम हमारे पास थोड़ा कम बचा हुआ है, अपने जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं और उसके लिए हमें प्रॉपर एक स्टडी मटेरियल चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रॉपर एक गाइडेंस हमें मिले, जैसा कि आपके सीनियर्स को मिला करती थी, वैसे ही आप चाहते हैं आपको मिले। और आपको तो मुझे लगता है एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि आप की सिचुएशन ही कुछ और है इस बार के स्टूडेंट्स की, है ना। भले ही आपका सिलेबस में थोड़ा रिडक्शन भी हुआ है, अलग अलग बोर्ड्स में कुछ ना कुछ रिडक्शन हुआ है, अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को तो यही नहीं पता लग रहा कि रिडक्शन वाला पार्ट कौन सा है। तो उसके लिए तो मेरा सजेशन ये है कि सीबीएसई के, अगर आप बोर्ड के हैं, जिस भी बोर्ड के हैं, उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट में जाएं, किसी के बोलने पर ना आए, किसी की कोई भी ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाएं जो भी आपके बोर्ड की है, उसमें जाकर देखें कि क्या आपके सिलेबस में है और क्या नहीं है। और एक बात और है, बहुत सी चीज़ें स्टूडेंट्स ऐसी भी होती है ना कि कोई सिलेबस में वो तो नहीं है, लेकिन अगले वाली एक्सरसाइज पूरी रिलेट करती है उसको, इसलिए उसे पढ़ना जरूरी है। ऐसा भी बहुत बार होता है, इसीलिए आपको ये देखना होगा कि ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं है तो क्या पता है उसका आगे लिंक हो। अगर उसका आगे लिंक है तो उसको, जो सिलेबस में नहीं है उसको भी पढ़ लो फिर। ऐसा ही होता है, ऐसा करा भी जाता है अक्सर सिलेबस जब रिडक्शन किया जाता है, तो इस बात का आपको एक ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि आप में से जो स्टूडेंट हैं, मोस्टली सभी स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो रखते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूंगा कि अभी मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं। एक तो मैंने देखो मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए मैंने डिटेल लेक्चर्स तो पहले से तैयार करके रख रखे हैं। ट्वेल्थ क्लास की मैथमेटिक्स की हर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताए, एक काम तो ये किया है। दूसरा काम ये करा है मैथ्स स्टूडेंट्स के साथ कि एक क्रैश कोर्स और एक वन शॉट सीरीज हमारी चल रही है, नाम रखा हुआ है इसका प्रचंड सीरीज। लेकिन देखकर बड़ा दुख होता है इस बात को कि बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं क्यों पता नहीं लग पा रहा, उन्हें 2-5 दिन बाद सीरीज जो हमारी स्टार्ट हुई उसके बहुत दिनों बाद 10 दिन बाद 20 दिन में पता लग रहा है कि अरे ये भी कुछ है। फिर वो मेरे से पूछ रहे हैं कि प्रचंड सीरीज में मतलब क्या है, कहाँ से हम करें, कहाँ पे हमें मिलेगा, जबकि मैं हर बार कह रहा हूँ कि हर वीडियो के एंड स्क्रीन में जब वीडियो फिनिश होने वाला होता है एक प्लेलिस्ट दिखाई देती है, वो प्रचंड सीरीज की ही प्लेलिस्ट है जिसमें कि मैंने आपको हर एक्सरसाइज के वन शॉट्स कराए हुए, यानी कि आप कोई भी लेसन पढ़ रहे हो, जैसे मतलब चल रहा है अभी वो प्रोसेस चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें मैंने आपको डिफरेंशिएशन जो है आपका 5th लेसन है, एक्सेप्ट एक्सरसाइज 5.1 मैंने आपको करा रखा है, सब कुछ 5.1 अलग से बनाऊंगा, आप में से बहुत स्टूडेंट की वो रिक्वेस्ट है। ऐसी जो चैप्टर नंबर 6 है, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 अलग अलग लेक्चर्स में बनी हुई है, 5 लेक्चर्स में 5 शॉट्स, ठीक है ना। ऐसी 7th लेसन है, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 भी आज हो गई आज के, अगर आज आप देख रहे हो आज कितनी तारीख है, आई थिंक 29 या 30 जो भी है, आज की इवनिंग 9 o'clock में आपको वो मिल जाएगा लेक्चर, आज बाई पार्ट का मिलेगा आई थिंक, ऐसे करके मैंने बना दिया अभी 7.7 तक बचा गया, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि ये किस तरह के क्रैश कोर्सेज हैं, यानी कि ये किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। तो मैं फिर बता दूं आपको कि ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है स्टूडेंट, ये सभी स्टूडेंट के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। यानी कि अगर आप ना बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, मतलब किसी कारणों से आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर दी, अगर आपने कोई बहुत अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर दी है बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आपके लिए भी ये बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको एक ही घंटे के अंदर, एक ही शॉट के अंदर मैं उस पूरी एक्सरसाइज का ओवरव्यू दे दूंगा आपको। तो इससे क्या होगा, रिविजन करने का मौका मिलेगा, और उन स्टूडेंट को भी जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, लेकिन बहुत सी चीज़ें उन्होंने याद कर ली थी अपने टाइम पे, मजबूरीवश ऐसा होता है, तो उन स्टूडेंट को भी एक बार समझने का मौका मिलेगा, ओवरव्यू करने का मौका मिलेगा, लेक्चर को एक बार देखने का मौका मिलेगा। क्योंकि अपने आप सेल्फ एनालिसिस कभी कभी नहीं हो पाता, हमने वही, हम बोर हो जाते हैं देख देख के। जब आप देखोगे मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपके दिमाग में बहुत सारी घंटियाँ बजेंगी, समझ में आ रही बात। अच्छा, और दूसरे स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, 30-40-50% जिनकी प्रिपरेशन हो रखी है, वो स्टूडेंट के लिए तो ये गजब की चीज़ है। क्योंकि स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है कि इसको डेडिकेटेड होकर आपको इसे फॉलो करना है। किस चीज़ को, जो मैं करा रहा हूँ इसमें मैं हर दिन हर एक्सरसाइज करा रहा हूँ, आपकी इतनी ड्यूटी है कि अगर हर दिन मैं एक एक एक्सरसाइज जो मैं करा रहा हूँ कर लो, तो फिर तो आप पता नहीं क्या करने वाले हो, ज़बरदस्त करने वाले हो।
लेकिन अगर आपके कुछ लेक्चर्स छूट गए अभी पुराने और आपको अभी याद आ रही है, तो कैलकुलस बोल रहा हूं मैं अगर, तो कैलकुलस सीधे ये नहीं कि इंटीग्रल चल रहा है, इंटीग्रल्स उठा दिया। अगर आपको लगता है आपका हाथ बहुत अच्छा साफ नहीं, आपको बहुत क्लियरिटी नहीं है चीज में, तो अभी मेरा इंटीग्रल्स चल रहा, आप इंटीग्रल्स बिल्कुल मत पढ़ो। आप स्टार्ट करो फिफ्थ लेसन से, 5.2 से। अब लगा लो 5.2 एक दिन, 5.3 एक दिन, 5.5 ऐसे मैंने एक एक दिन करके करा रखे। आप लगा लो कितने दिन हो गए होंगे अभी तक, वो सात करीब करीब 15-20 दिन हो गए होंगे आराम से। तो आप, लेकिन आप क्या करो, आप एक दिन में दो दो करो, क्योंकि आपने थोड़ा सा आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और जब आप करोगे तो अलाइनमेंट में आओ मेरे साथ, जल्दी से जल्दी अलाइनमेंट में आओ। जब तक मैं एट्थ लेसन में पहुंचता हूं, आप अगर तब तक एट्थ लेसन में पहुंच गए, इससे बड़ी कुछ और बात हो नहीं सकती, कुछ हो ही नहीं सकती इससे बड़ी बात। और अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, मैं बता रहा हूं, इससे कोई कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक घंटे का लेक्चर होता है। बाद में तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा घटा के भी देख सकते हो, आपको क्या पता मेरी बातें बहुत समझ में आती होंगी तेजी के साथ, या फिर मैं बहुत हल्के हल्के बोलता हूँ तो आपको तेजी से सुनना होगा, तो दो की स्पीड में चला दो। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपका वो एक घंटे का टाइम भी कहीं 45 मिनट्स तक तब्दील हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज रहने वाली। और इसी को टिल एग्जामिनेशन, आपको इसी को रिपीट रिपीट करते रहना, इसी फॉर्मेशन को। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें भी मैं पढ़ाऊंगा, जैसे ही फिनिश होगा मैं एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ाऊंगा। अब फिजिक्स के लिए मैं बहुत जल्दी ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स के लिए भी मैं वन शॉट्स चलाऊँ, बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरह की। थोड़ा टाइम जरा कम मिल पाता है, एक अनअकैडमी की क्लास भी चलती है मेरी 7:30 PM पर एवरीडे, वो भी लाइव क्लास होती है। आप वहां से भी अपने लिए काम की चीजें ढूंढा करें, उसमें क्लास 11th और 12th को दोनों को मैं कंबाइन ही पढ़ा रहा हूँ, कभी 11th कभी 12th अल्टरनेटिवली पढ़ा रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से देखिए कहां से आपको क्या बेनिफिशियल चीज मिल रही है, उसका फायदा उठा रहे। टाइम अपने आप बहुत कम है, इसे प्लीज स्पॉइल ना करें, किल ना करें। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, जितना हो सके उतना ग्रहण कर लो अभी अभी, क्योंकि उसके बाद फिर अगले साल से आपके पास ये मौका नहीं मिलता। जितना ग्रैप कर सकता है इंसान, वो अभी कर सकता है क्लास 12th में होकर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यही कुछ बातें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो खैर नहीं होगा डिस्क्रिप्शन डिटेल लेक्चर्स होंगे, लेकिन इस वीडियो के कमेंट में मैं वो लिंक डाल दूंगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं प्रचंड सीरीज का, ठीक है ना। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे जरूर बताओ, मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे, मुझे बताओगे तो कुछ सॉल्यूशन भी दे पाऊंगा। इधर उधर अगर हम इधर उधर ही पूछते रहेंगे तो सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं, ऊपर से पता नहीं क्या क्या और एक्स्ट्रा में फ्री में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये सेशन इंपॉर्टेंट लगा, इस सेशन को लाइक करें, अदर नीड स्टूडेंट्स से शेयर करें, और जो भी वीडियोज मेरे आते हैं ना रात 9:00 पे, अगर आपको कोई वीडियोज अच्छे लगते हैं लाइक करिए। मेरे पास एकमात्र यही एक चीज है जो मुझे बताती है कि क्या है आपके लिए मोटिवेशन, क्या आपका बोर्ड एग्जामिनेशन मेरे लिए एक तरह का मोटिवेशन आगे करने का। मैं क्या करता हूँ, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, 2-3 घंटे लगते हैं वीडियो बनाने में, बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है ना। बहुत वैसे काम भी होते हैं जो दिखते नहीं है, वो करने पड़ते हैं। और वो करने के बाद स्टूडेंट आपको पता है क्या, आप अभी मैं भूल गया, रहने तो छोड़ो। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे। हाँ याद आ गई मुझे बात, बात याद आ गई। बात ये थी कि जब मैं उठता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ मोटिवेशन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मोटिवेशन में सुबह उठता हूँ, सबसे पहले उठ के काम करता हूँ, मोबाइल खोलता हूँ अपना और उसमें देखता हूँ स्टूडेंट्स के कमेंट ये मैंने बहुत वैसी बात बता दी आपको, कमेंट देखता हूँ। और जैसे ही कमेंट देखता हूँ, और मेरी नींद नहीं खुलने वाली होती है, कमेंट देख के खुल जाती है, कमेंट देख के खुल जाती है, मुझे मजा आता है, मुझे लगता है हाँ हाँ, मुझे लगता है कि ये जो स्टूडेंट को ये बात पसंद आई है ऐसी नहीं पसंद आ गई, इसके पीछे कुछ था, स्ट्रगल था कुछ, वो सुबह सुबह ठंडी में उठकर, वो आपके लिए वीडियो बनाकर, वो जो हुआ तब जाकर वो एक रिजल्ट, एक आउटपुट आता है स्टूडेंट्स के जो कमेंट आते हैं, तो फिर मैं दोबारा से उठ जाता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाने लग जाता हूँ। तो ये एक छोटी सी बात है जो रहती है, इसलिए आप ध्यान रखा करिए, ये भी एक साइड से एक पॉइंट रहता है, क्योंकि मैं अगर मोटिवेटेड रहूंगा तो शायद आपको भी कर पाऊंगा, ठीक है ना। वैसे मुझे जरूरत नहीं है कोई बहुत ज़्यादा ऐसे मोटिवेशन की, बस एक बात कह रहा हूँ इतनी सी कि आप अपने एंड से कुछ कर सकें तो इतना कर लें कि इस वीडियो को एक नीडी स्टूडेंट तक पहुँचा दें। अगर आपको लगता है कि नहीं पहुँचा सकते तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई पर जरूर ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।